नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल में। आज फिर एक इलेक्ट्रिक रिक्शा का वीडियो लेके आए हैं और कुछ नया तरीके से इसको बनाया गया है, तो शुरू से अंत तक देखिएगा वीडियो को। और अगर कोई दोस्त मेरे चैनल में नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और घंटी का जो बटन है उसको ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं हमेशा लाते रहता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए जो है घंटी का बटन ऑन करना ज़रूरी है। और ये जो वीडियो है, इलेक्ट्रिक रिक्शा का वीडियो है, इससे संबंधित कोई भी पार्ट्स आप लोगों को चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देंगे, वहाँ पर जाके कॉल करके आप लोग ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं या फिर आके भी बनवा के लेके जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाते हैं आप लोग ये इलेक्ट्रिक रिक्शा या फिर इलेक्ट्रिक ठेला किस तरह से बना हुआ है। एक एक पार्ट्स आप लोगों को बढ़िया नज़दीकी से दिखाएंगे। तो रिक्शा बनाने के लिए पहले आप लोगों को चाहिए चेचिस, एक्सेल, उसके बाद रिम, बैटरी सेट, मोटर सेट। तो ये सामान इलेक्ट्रिक रिक्शा बनाने के लिए पहले आप लोगों को चाहिए। ब्रेक पुली इस पर पहले लगाना है, कैसे लगाते हैं ये आप लोगों को बता देते हैं। यहाँ पे देखिए फिटिंग कर रहे हैं, पहले भूरा जो होता है एक्सेल होता है उसी के साथ सारा सामान पहले डालने लाना है, ब्रेक पुली, स्पॉकेट, उसके बाद आपका ये हब जो होता है, उसके बाद हब डालने के बाद आपको रिंग के साथ स्पोक डालना है। स्पोक डाल के हब में जो आता है उसको कड़िया से कस लेना है, बढ़िया से टाइट से कस लेना है। और जो ब्लॉक होता है, ब्लॉक कवर, उसका पहले दूसरा टाइप में आता था, अब दूसरा मॉडल में आता है। और ये फ्रेम है ढलाई वाला, फ्रेम को चेचिस के साथ होल करके इसके अंदर कस देना है, चार होल करना है। और उसके बाद चक्का को जो है कसना है, चक्का कसने के बाद जो तिल्ली होता है इस तिल्ली को बढ़िया से टाइट कर लेना है। जो तिल्ली टाइट करने वाला आता है आपका, उससे बढ़िया से टाइट कर लेना है ताकि रिम जो है सीधा रहे। ये बेयरिंग वाला हब है और उस साइड में जो है तो उसमें दूसरा हब है जो लॉक रहता है। यहाँ पे देखिए ये चक्का जो है पतला वाला रिक्शा वाला चक्का से बना हुआ है। दो तीन गाड़ी बन रहा है इसमें, दो तीन गाड़ी आप लोगों को दिखाएंगे आज। ये बैटरी इसमें लगा हुआ है, चार बैटरी, 12-12 वोल्ट की चार बैटरी लगता है। और मोटर इसमें देखिए लगा दिए हैं, मोटर पहले आप लोगों को इसमें लगाना है। मोटर और उसके पीछे वाला जो स्पॉकेट होता है धुरा में जो लगता है वो एकदम सीधा होना चाहिए, थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो आपका जो है चेन बार बार उतर जाएगा और दिक्कत होगा। और यहाँ पे देखिए नट बोल्ट के साथ जो है नट बोल्ट के जरिए धुरा में कस लेना है ताकि जो लगा हुआ है थोड़ा सा भी हिले नहीं, बढ़िया से टाइट करके। और ब्रेक पुली देखिए यहाँ पे लगा है नट बोल्ट से, डबल ब्रेक पुली इसमें लगा है। और ये ब्लॉक कवर देखिए दूसरे पहले मॉडल आता था, पहले मॉडल, अब नया मॉडल आया है पूरा ढलाई वाला आया है, वो भी काफ़ी मजबूत है। ये लेफ्ट का, लेफ्ट साइड का चक्का है और इसमें कलर हो चुका है। ये कंट्रोलर है और इसके पहले वाले में वीडियो में आप लोगों को दिखाए हैं किस तरह से जो है ब्रेक लगाना है, ब्रेक लगाना है, वो सारा चीज़ आप लोगों को दिखा चुके हैं पहले वाले वीडियो में। सीधा करके कैसे आगे लेके जाना है पैर के पास, और पैर वाला ब्रेक काम करता है, जो धुर्रा होता है उसको रोक देता है, धुर्रा से जो लग के आता है। और इसमें पैडल सिस्टम भी रखा जाता है ताकि बैटरी अगर कभी ख़त्म हो जाए, मान ली बैटरी आपके साथ कभी धोखा दे दे तो आप पैडल मार के आपका आ सकते हैं। ये ब्रेक है और पैर रखने स्टैंड है, ये काफ़ी मजबूती से देखिए इसका कैची जो है कितना मजबूत होता है। जो नॉर्मल रिक्शा में होता है वो पाइप वाला होता है, थोड़ा सा भी वजन लेते हैं तो उसमें टूट जाता है, और ये 6-7 क्विंटल लेके आराम से 30-35 की स्पीड चल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आता। तो फ्रेम का जॉइंट है, चेसिस फ्रेम का जॉइंट है और इस तरह से एक पत्ती लेके जो है इसको टाइट कर लेना है ताकि इधर उधर हिले नहीं, बिल्कुल एकदम मजबूत रहे। आजकल काफ़ी धड़ल्ले से ही सब गाड़ी चल रहा है कलकत्ता में, चाहे तो आप बाहर भी मंगा सकते हैं इस तरह से, बाहर में जल्दी मिलता नहीं है, ये कलकत्ता में ज़्यादा मिलता है, तो आप लोग ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। यहाँ पे देखिए लकड़ी का जो है इसको जो है प्लाई का जो है शीट लगाया गया है ताकि बराबर देखने में लगे, प्लाई के शीट के ऊपर लकड़ी से चारों ओर से इसको मतलब ऑर्डर दिया गया है
मजबूती के लिए। और सीट देखिए, स्प्रिंग वाला सीट इसमें लगाया गया है। ये रिक्शा का चक्का है पीछे का दो, और आगे जो चक्का है मोटरसाइकिल का रखा गया है। और दो गाड़ी यहाँ पे बन रहा है, ये तीनों मोटरसाइकिल के चक्का से बन रहा है। मोटरसाइकिल का हैंडल सब लगा हुआ है, देखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगा जब बन जाएगा। यहाँ पे देखिए मोटरसाइकिल का टायर लगा हुआ है, मोटरसाइकिल का रिंग लगा हुआ है, ब्रेक और हाफ जो है ये हाफ कलकत्ता में ही बनता है। ये ब्रेक पुली इसमें डाल के छोड़ा गया है, अब इसको फिटिंग किया जा रहा है। ये जब तैयार हो जाएगा तो उसका भी वीडियो देंगे। उसके लिए आप लोगों का घंटी का जो बटन है, नोटिफिकेशन बेल, उसको घंटी का बटन जो उसको अंदर लीजिए। इसमें अभी काम चल रहा है, तो अभी इसको फिर भी आप लोगों को दिखा देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। स्प्रिंग हो गया, ये स्प्रिंग है, इसके ऊपर जो है लकड़ी का बॉडी बैठता है। और कोई लकड़ी का बॉडी नहीं बैठना चाहते हैं, जैसे कि लोहा का फ्रेम बना के ट्रॉली टाइप का बनाना चाहते हैं तो वो भी बन जाता है। माटी वाटी ढो सकते हैं, इसमें माटी भी ढोते हैं, लकड़ी भी ढोते हैं। इतना मजबूत इसमें उसका जो मोटर है, इतना पावरफुल है, 6-7 क्विंटल लोड लेके 30-35 के स्पीड में चल सकता है। तो इस तरह के नए नए वीडियो को देखने के लिए मिलन टेक्निकल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये देखिए वाला रिक्शा वाला है, रिक्शा वाला है, लगभग 60,000 बैटरी वैटरी लेके 60,000 लग जाता है लगभग। हेलो, और जो मोटरसाइकिल का चक्का है वो लगभग 70,000 पड़ जाता है। बैटरी जो है काफ़ी महंगा आता है, बैटरी मोटर सेट और मिस्त्री लेके पेंट वेंट लेके पूरा रेडी करने में खर्चा पड़ जाता है उसमें। लेकिन एक बार लग जाता है तो 2-3 महीने में पैसा आपका निकल जाता है। मान लीजिए 20,000 भी आप कमाएंगे महीना, तो 2-3 महीने में आपका पैसा जो है वापस आ जाएगा। उसके बाद जो आप इनकम करेंगे तो आपका गाड़ी आपका फ्री में हो जाएगा। यहाँ पे एक रिक्शा बन रहा है, देखिए यहाँ पे ये आइसक्रीम का ठेला इसमें लगने वाला है। इसमें ये छोटा हाइट में बन रहा है, जो आइसक्रीम का पेटी इसमें बैठेगा, इसके ऊपर आइसक्रीम बेचने वाले हैं, तो उनका गाड़ी यहाँ पे बन रहा है। आगे वाला चक्का जो है काफ़ी मोटा दिया गया है, और पीछे का दोनों चक्का जो है पतला। यहाँ पे देखिए गाड़ी चला के आप लोगों को दिखा दे रहा है कितना स्पीड में चलता है। पीछे हम पीछे से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, देखिए रास्ते में चलते हुए कैसा लग रहा है गाड़ी को। शाम का समय है तो भी आप लोगों के लिए मैंने रिकॉर्डिंग किया है। काफ़ी स्पीड में इसका स्पीड जो है 35 की स्पीड में चल रहा है। काफ़ी अलग अलग मॉडल में यहाँ पे गाड़ी बनता है। जिस मॉडल में आप लोगों को बनवाना होगा वहाँ पे स्क्रीन शॉट ले कर आप लोग व्हाट्सएप में भेज के आप लोग ऑर्डर दे के बनवा सकते हैं। देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है समझ सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं।